नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का पहला बजट हुआ पेश, कई चीजें हुई सस्ती तो कुछ सामान भी हुए महंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार के पहले बजट को बताया निराशजनक, घोषणाओं के रोड मैप को बताया लुप्त। और आरएएस प्री परीक्षा में पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ, एसओजी टीम कर रही है प्रकरण की जांच। और अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार का पहला आम बजट आज लोकसभा में पेश हो गया है। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास का विजन पेश किया है। आयकर सीमा में बढ़ोतरी करते हुए 2.5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की 3 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त होगी। 80 में निवेश की सीमा 1 लाख से 1.5 लाख हो गई। हाउसिंग लोन के ब्याज की सीमा 1.5 लाख डेढ़ से 2 तक बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स और टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% हुआ है, रक्षा क्षेत्र में भी एफडीआई 26% से 49% हुआ है। एफडीआई देश को रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए जरूरी है। महंगाई को कंट्रोल करना सरकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार के उठाए गए कदमों के कारण 3 से 4 साल में विकास दिखेगा। वित्त मंत्री ने डीजल और एलपीजी गैस के महंगे होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सब्सिडी कम करेगी और सिर्फ जरूरतमंदों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा योजना का प्रस्ताव रखा। एससीसी एसटी के लिए 548 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के लिए श्याम प्रसाद अर्बन मिशन की शुरुआत की जा रही है। कृषि सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए दक्ष भारत स्कीम का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने किसान विकास पत्र योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा और ई वीजा 9 हवाई अड्डों पर शुरू होगा, जहां वीजा ऑन ड्राइव मिलेगा। बजट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर रखते हुए इसके लिए 28,635 करोड़ का प्रावधान किया गया है। टीचर्स की ट्रेनिंग की नई योजना शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने 12 नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव को मंजूरी दी। 4 नए एम्स का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्णांचल, विदर्भ में एम्स खोले जाएंगे। इसके अलावा हर राज्य में एम्स खोलने की कोशिश करेंगे। टीबी के इलाज के लिए दिल्ली और चेन्नई में और रिसर्च करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने पिछड़े क्षेत्रों में 27 राज्यों के 272 जिलों को बुनियादी ढांचे मजबूत किए जाने के लिए भी बजट में प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, इसके लिए पाठ्यक्रम भी निर्धारित होगा। उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ का आवंटन किया गया है। सभी मंत्रालयों में समन्वय बनाए रखने के लिए ई बेस योजना की घोषणा की गई है, ताकि कार्यों में रुकावट ना हो। नए उद्योगों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खुलेगा, जहां सभी प्रक्रियाएं एक ही जगह पूरी कराई जाएगी। खाद्य तेल, साबुन, पीवीसी शीट, हार्डवेयर, कंप्यूटर पार्ट्स, मोबाइल, लैपटॉप, सौंदर्य प्रसाधन, 19 इंच से कम एलईडी, एलसीडी टीवी, स्मार्ट कार्ड, वायु व सौर ऊर्जा उपकरण, डिब्बाबंद खाना, कीमती पत्थर, सोलर लैंप आदि सस्ते हुए हैं।
एक महिला उद्यमी होने की वजह से मैं महिलाओं से रिलेटेड इस बजट के ऊपर रिव्यू करना चाहूंगी। महिलाओं के लिए जो मोर और लेस ये बजट प्रोडक्टिव एंड गुड अच्छा है, अच्छा कहूंगी मैं, क्योंकि इसमें महिलाओं की सेफ्टी के लिए प्रावधान रखा गया है, निर्भया फंड के लिए पैसा डाला गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पैसा डाला गया है, बेटियों के नाम से उनके जन्म लेने से उनकी शादी तक के लिए FDs की बात की गई है, इंश्योरेंस की बात की गई है, जो कि एक बेटी को बचाने पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा रूरल महिलाओं, गांव की महिलाओं के लिए जो स्किल डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने प्रावधान रखा है वो बहुत अच्छी बात है, जैसे गृह उद्योग कुटीर उद्योग में बढ़ाने से जो गांव की महिलाएं हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड और अर्निंग हो पाएंगी, कॉन्फिडेंट हो पाएंगी, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ तक शहरी और महिला उद्यमियों की बात है उसमें कुछ खास इस बजट में नहीं है। शहरी महिला उद्यमियों को कोई लोन में या उनके लिए जैसे टैक्स हॉलीडे के ऊपर कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं रखी गई जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं उससे इंटर्नशिप। दूसरा एक हमने वो भी सोचा था कि जैसे SEZ महिला उद्यमियों के लिए स्पेशल जोन एक हो जाता तो उसके लिए महिला उद्यमियों को शहर में उद्योग लगाने में थोड़ा सा फ़ायदा मिलता, वो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें स्ट्रेस दिया गया। एक चीज़ और अच्छी की गई है वो है स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारा प्रावधान है। पहली बार सरकार ने पहचाना है कि जूनियर सब जूनियर लेवल पे अगर अपन स्पोर्ट्स पर्सन को पकड़ के उनको ट्रेन करना शुरू करें तो हम ज़रूर अपना ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना नाम कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस लगाने की बात की, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ तो मेरे को इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा, बहुत पहले खुशी है कि सरकार ने इस बारे में सोचा और उस पर पैसा लगाने की बात की। उनकी तरफ से और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरफ से मेरा ये मानना है कि ओके बजट है, सेटिस्फैक्ट्री है। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने स्कीम्स या फंड्स एलोकेट नहीं किए जो हम चाहते थे कि वो करें कि महिलाएं मेन स्ट्रीम में आए। एक उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है जो ऑलरेडी एक निर्भया फंड जैसा ही हमें देखने में लगा। दूसरी बात थी स्किल इंडिया बनाने की बात थी कि स्किल इंडिया बनाने जैसा भी अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, स्कैम इंडिया से स्किल इंडिया बनाने के लिए, क्योंकि आज विश्व का सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है, इनके और इनकी नौकरियाँ कहाँ लगेंगी। इनके घोषणा पत्र में लिखा गया था कि नौकरियाँ प्रोवाइड करेंगे जो अभी बजट में नहीं था। महंगाई, बजट, नौकरियाँ, ये सब मुद्दों को लेकर के ही मोदी सरकार सत्ता में आई थी और इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी अपने बजट में, हमें ये उम्मीद थी, पर वो नहीं हुई। बट कुछ चीज़ें जो अच्छी इस बजट में हुई हैं कि उन्होंने गंगा के लिए प्रावधान, गंगा की सफाई के लिए किया है, कश्मीरीज को स्टेब्लिश करने के लिए किया है, प्लस जो वॉर मेमोरियल बनाने की बात है, कुछ नए पहलू उभर कर आए हैं जो अच्छा है। बट यूथ को, वुमेन को और एजुकेशन को थोड़ा साइडलाइन किया गया है जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमें उम्मीद थी कि कुछ फंड्स एलोकेट होंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने केंद्र के बजट का स्वागत करते हुए बताया कि इसमें घाटा कम करने और विकास को गति देने पर जोर दिया गया है, जिससे ये साफ संकेत मिले हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। परनामी ने कहा कि साबुन, कंप्यूटर, तेल और 19 इंच तक के LED TV सस्ते करने तथा कम कीमत के टीवी की कलर ट्यूब को कर मुक्त करने से भी आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने सिगरेट, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने को लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया और कहा कि पूरा बजट जन कल्याणकारी और देश के सभी प्रांतों के विकास को तेज करने वाला है। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय तथा अलंटा मॉडर्न सोलर प्लांट की स्थापना के निर्णय को राज्य के हित में बताया। वहीं कहा कि धार्मिक नगरियों के विकास के कार्यक्रम में अजमेर को शामिल करने से सभी धर्मों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। परनामी ने कहा कि राजस्थान में पीने के पानी की कमी हमेशा रहती आई है, जिसे देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रदेश के लोगों की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने पहले कार्यकाल में भी गाँवों में लोगों को 24 घंटे घरेलू बिजली देने के लिए फीडर सुधार कार्यक्रम चलाया था और अभी भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए केंद्र के बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने से प्रदेश में इस काम को गति मिलेगी। जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने लोकसभा में गुरुवार को पेश किए आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आम आवाम, हर वर्ग एवं क्षेत्र के लिए की गई घोषणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2020 का समावेश करने के लिए बधाई देते हुए बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है। उन्होंने देश में 100 स्मार्ट शहरों का विकास करने के लिए बजट में 7000 करोड़ का प्रावधान रखने और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपशिष्ट निपटान, सीवरेज उपचार तथा पेयजल आदि सुविधाएं बढ़ाने के लिए बजट प्रावधान को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 50000 करोड़ रुपए करने का भी स्वागत किया है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज संसद में प्रस्तुत आम बजट को जनता की नाउम्मीदी का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि जनता में भाजपा द्वारा चुनाव पूर्व जगाई गई आकांक्षा एवं दिवा स्वप्न पर इस बजट से पानी फिर गया है। सचिन पायलट ने कहा कि आज प्रस्तुत आम बजट में विकास, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, सशक्तिकरण जैसे बजट के मूल तत्वों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट मात्र संकेतों का बजट है जिसमें घोषणाओं के क्रियान्वयन का रोड मैप पूरी तरह से लुप्त है। उन्होंने कहा कि बजट में शब्दों का हेर फेर कर वास्तविकता से परे तुष्टिकरण की नीति को अपनाया गया है। पूर्ववर्ती यूपीए शासन की योजनाओं का नाम बदल करके लागू करने की खाना पूर्ति इस बजट में की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मात्र 200 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ही बेटियों की शिक्षा व विकास के लिए भी इतना ही बजट सुनिश्चित किया गया है जो महिलाओं के प्रति एनडीए की असंवेदनशीलता का परिचायक है। यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला है। कोयला महंगा होने से आगामी समय में बिजली महंगी होगी जिससे उत्पादन के क्षेत्र पर विपरीत असर पड़ेगा। बजट में डिब्बा बंद खाने को सस्ता किया गया है जबकि आवश्यकता गरीबों के पोषण को सुनिश्चित करने की है। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि महंगाई को स्थित करने के लिए गठित किए गए 500 करोड़ रुपए के फंड से कैसी राष्ट्र व्यापी महंगाई पर काबू पाया जाएगा। पायलट ने कहा कि विपक्ष के रूप में एफडीआई के मुद्दे पर पलायन की नीति अपनाने वाली भाजपा ने बजट में रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में एफडीआई आमंत्रित करके अपनी ही विचारधारा को गलत साबित कर दिया है। प्रस्तुत हुआ संसद में ये जनता की नाउम्मीदी को प्रतिबिंबित करता है। भाजपा ने चुनाव पूर्व जिस प्रकार के दिवा स्वप्नों को दिखाया, आकांक्षा को जगाया, उस पर पानी फेरने वाला बजट है। इस बजट में किस पूरी तरह से विजन का अभाव है। जो बजट के मूल तत्व होते हैं जिसके आधार पर प्लानिंग की जाती है, जैसे कि सेल्फ रिलायंस है, महिला सशक्तिकरण है, गरीबी उन्मूलन है और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए सरोकार, उनकी पूरी तरह अनदेखी की गई है। जनादेश 5 वर्षों का है लेकिन अति उत्साह में आगे बढ़ते हुए इससे इतर जाकर के सबको आवास उपलब्ध करवाने के लिए 2022 का टारगेट रखा गया है और गंगा की सफाई जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था उसको 6 वर्षों के लिए टारगेटेड किया है और उसके लिए जो 25,000 करोड़ के आवंटन की बात थी उसको सिर्फ 2,500 करोड़ तक सीमित किया है, यानी कि वो 5 वर्षों में भी पूरा नहीं, 6 वर्षों में भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मनरेगा जैसी स्वर्णिम योजना को कृषि तक सीमित करके ये बताने का प्रयास किया गया कि आगामी समय में इसको इस तरह से बंद किया जाएगा कि इसके बताया जाएगा कि ये अब उपयोग में आने वाली योजना नहीं है। इसी प्रकार से महिलाओं के प्रति कितनी असंवेदनशीलता, इसका परिचय है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मात्र 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। एक तरह से संकेतों का बजट है, जैसे स्प्रिंकलर होता है उस हिसाब से हर कोटे को आवंटित करके और 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए दिए गए, परंतु उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे उसकी अवधारणा होगी, कैसे उसका क्रियान्वयन होगा, उसके बारे में कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से महंगाई को संरक्षण देने वाला बजट और जनता को छोटे छोटे झुंझुने पकड़ा करके तुष्टिकरण वाला बजट है। इससे आम जनता को राहत मिलने की जगह आगामी समय में जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको खोखला करने का काम होगा। एसओजी आरएएस प्री परीक्षा में पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ में जुट गई है। एसओजी टीम परीक्षा के हर पहलू पर जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी इस परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े से जुड़ी गई राज उगल सकते हैं और इसके तार आरपीएससी के अंदर तक जुड़े हो सकते हैं। गौरतलब है कि एसओजी टीम ने इस मामले में इस परीक्षा में मेरिट में आने वाले 4 अभ्यर्थियों सहित कुल 8 पर अपना शिकंजा कसा है। इनमें 2 युवतियां बताई जा रही है। आरोपियों ने कबूल किया है कि वे आरपीएससी द्वारा आयोजित लगभग हर परीक्षा में छात्रों से मोटी राशि वसूल कर पेपर लीक करते थे और छात्रों को पास कराते थे। एसओजी की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने करौली से पेपर आउट करने की बात कही है। आरएस प्रारंभिक परीक्षा जो 26 अक्टूबर 2013 को आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई गई थी और गत महीने में इनका रिजल्ट आया था। उसमें रिजल्ट के दौरान जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उसको लेकर आयोग को भी इस पर संदेह था एवं विश्वस्त सूत्रों से भी ज्ञात हुआ था कि एक गिरोह है जिसने एग्जाम से पूर्व पर्चा लीक कर और कुछ लोगों को लाभान्वित किया है, बड़ा पैसा देकर पैसे के मार्फत वो पेपर प्राप्त किया गया है, उन लोगों को बेचा है और इस संबंध में आयोग से हमें एक गुप्त जांच हेतु रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और उसके जांच के दौरान इस बात का सत्यापन हुआ और फलस्वरूप हमने एसओजी में कल प्रकरण दर्ज कर
तीन जो महत्वपूर्ण राजस्थान में गिरोह के सरगना थे उनको अरेस्ट किया है, जिसमें सबसे बड़ा अमृतलाल मीणा है जो करौली महाविद्यालय में लेक्चरर है, उनकी वाइफ भी वहाँ पर लेक्चरर है, और इसके अलावा उसके सहयोगी संजीव मीणा जो ओरिएंटल बैंक सरदार सहज चूरू में पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, और एक हंसराज मीणा है। सदर थाना इलाके में स्थित रेलवे स्टेशन पर आज सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्धा के दोनों पैर कट गए। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने वृद्ध महिला को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने बताया कि जयपुर जंक्शन पर यार्ड के पास लाइन नंबर 2 पर सुबह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्धा महिला के दोनों पैर कट गए। लाइन मास्टर की सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से वृद्धा को एसएमएस अस्पताल में भिजवाया। कोतवाली थाना इलाके के चांदपुर बाजार में स्थित झालानियों के रास्ते में बीती रात एक युवक की लाश मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार बीती रात करीब 1 बजे चांदपुर स्थित झालानियों के रास्ते में एक 33 वर्षीय युवक की लाश पड़ी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एसएमएस अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनके शरीर पर फफोलों जैसे निशान मिले हैं। पुलिस का मानना है कि उसकी मौत किसी बीमारी के कारण हुई है, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। तो करीब 1 बजे 10 कांस्टेबल ने सूचना दी कि एक व्यक्ति की लाश जो है संगोल बाजार में राष्ट्रीय टर्मिनल डायरेक्शन पड़ी हुई है, तो हम मौके पहुंचे, तो लाश जो है फूली हुई थी और मृत अवस्था में था, उसको हमने एसएमएस में शिफ्ट करवा दिया है और उसके मृत्यु वारिसान की तलाश कर रहे हैं, पता वारिसान पता करने पता चलने पर जो है पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई है, इसके बारे में स्पष्ट रूप काम क्योंकि शरीर पर कोई निशान नहीं है, लाश फूली हुई जरूर है और जो पैंट है उसके ऊपर डीप LWM लिखा हुआ है, तो उसका सवाई माधोपुर साइड का रहने वाला हो, उसके लिए हम मालूम करवा रहे हैं। श्याम नगर थाना इलाके में गुरुवार सुबह एक युवती की खून से सनसनी लाश मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भिजवाया। पुलिस के अनुसार थाना इलाके में स्थित रानी सती नगर के गौतम मार्ग के एक फ्लैट में जतन व उसकी बहन रतन ज्योत किराए पर रहते हैं। उसका भाई काम से 2 दिन पहले बाहर गया हुआ था। आज सुबह जब वह वापस आया जो कमरे में बहन की खून से सनसनी लाश मिली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कमरे का मौका मुआयना कर पूछताछ में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवती का गला घोटकर मारा गया है। पुलिस ने बताया कि कमरे में पड़ा मिला शव करीब 30 घंटे पुराना है। शव को एसएमएस अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतका पंजाब की रहने वाली है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसके भाई मकान मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है। ये रमन ज्योत कौर करके 23 ईयर्स की लड़की थी, वो अमृतसर के रहने वाले, उनके ब्रदर के साथ में वो यहाँ रहते थे और आज सुबह सूचना मिली है, हाँ जब बदबू आने लगी तो के उसके ब्रदर ने बताया कि उसकी डेड बॉडी अंदर मिली है। FSL टीम आई है, उससे जाँच करवा रहे हैं आगे जो भी हो। उसके गले में लैपटॉप का जो है उसका निशान है, अब आगे देखो उसके बारे में और PM करवाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा किस तरह से लैपटॉप के तार से गला कटा गया। अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कितने पुराना, 30 घंटे के लगभग पुराना, 26 से 30। सुभाष चौक इलाके में हिस्ट्री शीटर ने साथियों से मिलकर जिम संचालक पर दिन दहाड़े सरेराह फायरिंग कर दी। गोली जिम संचालक के पीठ को छूकर निकल गई। बदमाशों ने जिम संचालक पर दोबारा भी फायरिंग की, लेकिन गोली उसके पास से निकल गई। अर्जुन बाइक से सुबह गोविंद देव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। दूध मंडी पर 2 बाइक पर हिस्ट्री शीटर दीपक गुर्जर और उसके साथियों ने अर्जुन के पीठ पर गोली चलाई, जो पीठ को छूकर निकल गई। दीपक कनक घाटी के पास का रहने वाला है, वह हिस्ट्री शीटर है और हाल ही फायरिंग और लूट के मामले में जेल से सजा काटकर बाहर निकला है। फायरिंग कर दीपक और उसके साथी फरार हो गए। दीपक और अर्जुन के बीच पुरानी कहासुनी है। जिम संचालक ने हिस्ट्री शीटर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। फायरिंग के बाद सूचना पर पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मैं कई सालों से मेरा नियम चला आ रहा है डेली सुबह गोविंद देव जी दर्शन करके आने का,
प्रतिदिन की बात ही मैं आज पौने आठ बजे गोविंदेव जी दर्शन करने गया। जब मैं गोविंदेव जी के सामने पर नज़दीक में स्थित गुरुद्वारे के पास मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था मोटरसाइकिल, तो मेरे को मेरे दो परिचित राजू और जीतू जो कि पहले मेरे जिम पे आया करते थे वो मिल गए। उनसे मैं बात करता करता मंदिर तक गया तो गुरुद्वारे के गेट पे मेरे को दीपक गुजर अपने तीन साथियों के साथ मिला। उसने मेरे से नमस्कार करी, मैंने उसका जवाब दे दिया। उसने अपने तीन साथियों को मेरी शक्ल दिखाने का ऐसा करा तो मैंने उस बात को कोई खास गौर नहीं करा, मैं दर्शन करने चला गया। दर्शन करके जब मैं वापिस आ रहा था तो मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी तो मेरी मोटरसाइकिल के पीछे लोग काले हनुमान जी से दो मोटरसाइकिलों पर लग गए। तो जैसे ही गाड़ी दूध मंडी के सुलभ कॉम्प्लेक्स के बाद तो वहाँ पर स्वतः ही भीड़ होने की वजह से गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो हुई। जब गाड़ी की स्पीड स्लो हुई तो दीपक गुर्जर ने मेरे पे जान से मारने की नीयत से मेरे पे फायर करा, तो एकदम जो कि मेरी पीठ कमर को छूता हुआ निकल गया। तो मैं एकदम पीछे मुड़ के जब देखा तो दूसरी मोटरसाइकिल में स्थित दूसरे बंदे ने मेरे चेहरे की तरफ करके फायर करा जो कि मेरे चेहरे के पास से निकल गया। रक्षणा नाम के व्यक्ति ने सुभाषोर थाने पर ये रिपोर्ट दी है कि सुबह आज सुबह जब मैं गोविंद देव जी मंदिर से आ रहा था तो मेरे ऊपर दीपक वर्जर और तीन अन्य व्यक्तियों ने दो अलग अलग मोटरसाइकिलों पर थे और मेरे ऊपर फायरिंग की है। इस पर मुकदमा नंबर 122 दर्ज करके और सुभाषोर थाने में जाँच की जा रही है। शहर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव संगत की ओर से 11-12 जुलाई को अजमेर रोड पर रामचंद्रपुरा में गुरु पूर्णिमा का सत्संग नामदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर गुरुवार को एक वाहन रैली का आयोजन किया गया जिसको रामचंद्रपुरा से मुख्य अतिथि ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली में हजारों की संख्या में जय गुरुदेव के भक्तों ने भाग लिया। रैली रामचंद्रपुरा से रवाना होकर झोटवाड़ा, चांदपुल बाजार, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, मोती रुंगरी, गणेश मंदिर, रामबाग सर्किल, झोटवाड़ा होते हुए वापस रामचंद्रपुरा पहुंची। जयपुर जिला बैडमिंटन संघ की ओर से एसएमएस स्टेडियम पर राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। तीन दिवसीय चैंपियनशिप में पुरुष और महिला सीनियर के साथ अंडर 19 बालक और बालिका वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिताओं से प्रतिभाओं के खेल कौशल में निखार आता है। उन्होंने नशे के खिलाफ संदेश देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को नशे से दूर रहते हुए परंपरागत पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजन सचिव अतुल गुप्ता ने बताया कि इस चैंपियनशिप के आधार पर सितंबर महीने में जालंधर में खोली जाने वाली नॉर्थ जोन टूर्नामेंट के लिए टीमों का चयन किया जाएगा। राजस्थान रैंकिंग चैंपियनशिप के विभिन्न वर्गों में 142 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सोनाली गुप्ता ने बताया कि वो हमेशा बैडमिंटन डबल्स में अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है। नेशनल सीनियर बैडमिंटन में 30वीं रैंक हासिल करने वाली सोनाली ने बताया कि आज वे जिस भी मुकाम पर है उसमें उनके पिता का अहम योगदान है। ये प्रतियोगिता सरस राजस्थान रैंकिंग के नाम से जानी जा रही है और इसमें कम से कम 15-16 जिले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और इससे ज़्यादा खुशी की बात है कि ये पूरी प्रतियोगिता सरस द्वारा स्पॉन्सर है और सभी खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप के अलावा भी सरस ने दूध और छाछ भी उपलब्ध कराया है। इसके लिए हम सभी जने सभी खिलाड़ियों की तरफ से और जयपुर जिला बैडमिंटन संघ की तरफ से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसमें कम से कम 150 से 200 खिलाड़ीगण भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 5 दिन तक चलेगी और राजस्थान के सभी शीर्ष खिलाड़ी जितने भी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें राजस्थान की नॉर्थ जोन टीम का सिलेक्शन होगा। अंडर 19 और मेंस एंड वुमेंस दोनों टीम इसमें सेलेक्ट की जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ इसमें लगभग 14 जिले भाग ले रहे हैं। 14 जिलों में से करीब 20 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। 142 प्लेयर्स भाग ले रहे हैं और ये राजस्थान रैंकिंग है जिसमें खिलाड़ियों का सिलेक्शन नॉर्थ जोन के लिए होगा। राजस्थान टीम का सिलेक्शन जो नॉर्थ जोन जालंधर में होने वाला है उसके लिए इसमें राजस्थान टीम का सिलेक्शन होगा। मैं अभी इस बार तो डबल्स खेल रही हूँ क्योंकि मैं स्टेट की बहुत बार डबल्स चैंपियनशिप जीत चुकी हूँ और डबल्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैं डबल्स में ही ट्रेनिंग लेती हूँ इसलिए मैं डबल्स खेल रही हूँ। बैडमिंटन माय डैड वाज आल्सो अ बैडमिंटन प्लेयर तो उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिली इसलिए मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। अभी लास्ट मैं सीनियर नेशनल्स खेलने गई थी और अभी मेरी लास्ट ईयर इंडिया में 13th रैंक रही थी। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का पहला बजट हुआ पेश, कई चीजें हुई सस्ती तो कुछ सामान भी हुए महंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार के पहले बजट को बताया निराशजनक, घोषणाओं के रोडमैप को बताया लुप्त।
और आरएएस प्री परीक्षा में पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ। एसओजी टीम कर रही है प्रकरण की जांच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर।